हे एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे, तो उसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, ये डालडा है, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है, और अजवाइन है और गुनगुना पानी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको समोसे के और कवर बनाने के लिए। तो चलिए हम इसमें इस बोल में हम नमक डाल देते हैं, डालडा घी डाल देते हैं और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। जो डालडा घी था उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। आप देख रहे होगे ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो चलिए इसमें हम गुनगुना पानी डाल के इसका एक डो बना लेते हैं, हार्ड हार्ड सा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, नहीं तो ये गीला हो सकता है। थोड़ा और पानी डाल देते हैं इसमें, बस ये गूंदने ही वाला है। सो देखिए, जो हमारे आटे का कवर है वो गूंद गया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो इसे हमें रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए इसको हम हाथों से अच्छे से मसल मसल कर इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना देते हैं। सो जितना सॉफ्ट आप इसे कर लेंगे ऐसे कर कर के, उतना ही खस्ता आपका जो समोसा है वो तैयार होगा। तो चलिए इसको 2 मिनट और अच्छे से गूंद लेते हैं। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से गूंद लिया है और ये सॉफ्ट हो गया है। आपको इसमें ये जो लाइनें दिख रही हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारे समोसे हैं वो खस्ता बनने वाले हैं। जो उसके समोसे की फिलिंग है हम वो देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो मैंने इसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो हमारे घर में होते ही हैं। मेरे पास मटर नहीं था तो मैंने नहीं लिया, और ज़रूरी नहीं है मटर डालना। सो चलिए अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है समोसे की फिलिंग के लिए। 4 आलू उबले हुए, इनको छोटा छोटा काट लिया है। रिफाइंड ऑयल है, फिर मिर्ची है कटी हुई हरी, नमक है स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची है आधा छोटा चम्मच, फिर आमचूर पाउडर है 1 छोटा चम्मच, और फिर ये है गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, और धनिया है साबुत। तो चलिए हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, अब इसमें हम डालते हैं ऑयल। सो मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल को हमने बहुत अच्छे से गरम करना है। इसमें हम डाल देते हैं साबुत धनिया, और साबुत धनिया को हमने रेड करने तक पकने देना है, जब तक ये थोड़ा सा डार्क सा ब्राउन ना हो जाए तब तक पकाना है। मुझे लगभग 1 मिनट लग गया है इसको ब्राउन करने के लिए, और इसका ब्राउन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो समोसे से जो अच्छी सी खुशबू आती है उसका मेन रीज़न यही होता है। तो चलिए इसमें हम अपने बॉयल आलू डाल देते हैं। और अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं, गरम मसाला, मिर्ची स्वाद अनुसार, क्योंकि हम हरी भी डाल रहे हैं इसलिए ज़्यादा नहीं डालनी है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉरी गाइस, मैं आपको एक इंग्रेडिएंट दिखाना भूल गई थी, ये है कसूरी मेथी। एक पंजाब का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ के समोसे बहुत टेस्टी है, तो वो ऐसे ही बनाते हैं। तो इसमें हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डालना है, तो इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इसको अब बस ये हो ही गया है, तो चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। तो हमारा जो इसका फिलिंग है, मसाला है आलू वाला, वो तैयार हो गया है और बहुत चटपटा बना है। तो चलिए अब हम इसके इसका जो कवर है वो बना लेते हैं। तो इनके गोले बना लेते हैं हम। 1.5 कप आटे से 3 गोले बने हैं, अच्छे खासे बड़े हैं ये, तो इससे 6 समोसे बन जाएंगे। तो चलिए एक गोले को हम अच्छे से बेल लेते हैं। हमने इसको ओवल शेप में बेल लिया है, ये गोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एग शेप में जैसे अंडा होता है वैसे शेप में होना चाहिए। तो चलिए हम इसको बीच में से काट लेते हैं। बेल
की साइड से हमने इसे काटा है, जहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वहाँ पे हम पानी लगा देते हैं। मैंने इसमें पानी लगा दिया है, अब इसको हम शेप दे देते हैं। तो देखिए पहले हमें इसे ऐसे करना है, फिर इसको पीछे से ऐसे पिंच करके ऐसे दबा दिया, इसको ये वाला शेप दे दिया है। ऐसे करने से ये इसको बैठाने में जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए इसके अंदर हम मसाला भर देते हैं। हमारा एक समोसा तैयार हो गया है, ऐसे ही हम सारे समोसों को तैयार कर लेते हैं। सो हमारे 4 समोसे बन गए हैं और जो हमारा ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए ऑयल जो गैस का फ्लेम है उसको हम लो पे करके इनको फ्राई होने डाल देते हैं। और इनको लो फ्लेम पे ही हमने पकाना है क्रिस्पी होने तक। अगर हमने इनको लो फ्लेम पे नहीं पकाया तो ये जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे, तो लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है हमने। दोस्तों समोसे बनाना बहुत इजी लगता है और सच में ये इजी होता भी है। तो देखिए इसे हम काफ़ी देर से जो है फ्राई कर रहे हैं। मैंने एक समोसा और डाल दिया है इसमें क्योंकि जगह थी इसमें। बस ये होने ही वाला है। सो देखिए ये हो गया है, जो 2 हैं वो हो गए हैं। चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों रेडी है हमारे खस्ता समोसे और ये बहुत ज़्यादा यमी बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और इसे बनाने में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बहुत इजीली जल्दी से बन गए हैं ये। सो दोस्तों रेडी है हमारे खस्ता समोसे और ये बहुत ज़्यादा खस्ता बने हैं, काफ़ी टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं। लग भी नहीं रहा है कि हमने इसे घर में तैयार किया होगा। और आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जैसे जैसे मैंने बनाया है सेम वैसे ट्राई कीजिएगा तो आपका भी समोसे बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।